गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? डियर स्टूडेंट, मैं इंग्लिश का लेसन नंबर 7 स्नो वाइट रीड कर रही हूँ. स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछले स्टैंजा को दोबारा से रीड कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट, हमने पिछले स्टैंजाज में पढ़ा था कि एक दूर देश में एक रानी थी जो बहुत सुंदर होती है, लेकिन वह दुष्ट और चुड़ैल थी. उसके पास एक जादुई दर्पण होता है. उसकी एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम हिमश्वेत था. हिमश्वेत बहुत सुंदर थी. एक दिन दर्पण ने उसे अलग सा जवाब दिया, हिमश्वेत तुमसे ज़्यादा सुंदर है. यह सुनकर रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने शिकारी को बुलाया. उसने शिकारी को बुलाकर हिमश्वेत को जंगल में ले जाकर मारने को कहा. रानी शिकारी को बताया और कि वह उसे मारकर उसका दिल लाकर दोगे ताकि पता चले कि तुमने अपना काम ठीक से किया है. जब शिकारी ने हिमश्वेत को बताया कि उसे एक दिन जंगल में रहना है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और वह घोड़े पर सवार होकर गहरे और गहरे जंगल में पहुंच गई और वह फूलों के विशाल समूह के बीच खेली. जब वह खेल रही थी तब शिकारी ने अपने घोड़े का नेतृत्व किया और भाग गया. वह हिमश्वेत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे. वह जब महल में वापस आया तो उसने साबित करने के लिए एक जानवर का दिल दिया जिसने उसे मार दिया था. हिमश्वेत जंगल में होने के कारण एक छोटी कुटिया में मिले जिसमें 7 बोने रहते थे. उन्होंने उसे आश्रय और भोजन दिया. उसके बदले में वह कुटिया की देखभाल करती थी. दूसरी तरफ रानी को यकीन था कि हिमश्वेत मर चुकी है. उसने दर्पण से एक प्रश्न पूछा, बोने कुटीर में साफ और छोटे, हिमश्वेत अभी भी सबसे सुंदर या खूबसूरत है? रानी गुस्से से चीख पड़ी. उसने एक बूढ़ी महिला, जब उसको पता चला कि शिकारी ने उसके साथ धोखा किया है तो उसने एक बुढ़िया का रूप लिया और वह कुटिया में जहर सेब की एक टोकरी ली और चल पड़ी. और उस बुढ़िया ने पका हुआ सेब दिया और वह और राजकुमारी हिमश्वेत बहुत ज़्यादा खुश हो गई. हिमश्वेत ने इसे काटा और एक बार नीचे गिर गई और मर गई. और रानी बहुत खुश हुई और वह अपने असली रूप में आ गई, यानी कि वो अपने चुड़ैल रूप में आ गई. और 7 बोने जब वापस घर आए और देखा कि हिमश्वेत मरी हुई जमीन पर पड़ी है, डियर स्टूडेंट, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द विक्ड क्वीन हैड टू रन फॉर हर लाइफ. दुष्ट रानी को अपने जीवन के लिए भागना पड़ा. स्क्रीमिंग विद रेज शी फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट विद द एंग्री ड्वार्फ्स इन हॉट पर्सूट. गुस्से से चिल्लाते हुए वह जंगल से भाग गई. गुस्से में बोनों के द्वारा उसका पीछा किया गया. बट एज शी फ्लेड शी डिड नॉट सी अ डीप डार्क होल इन द ग्राउंड अंटिल इज वाज टू लेट एंड डाउन शी फेल नेवर टू बी सीन अगेन. लेकिन जब वह भाग गई तब तक उसे जमीन में एक गहरा अंधेरा नहीं दिखाई दिया. जब तक बहुत देर हो गई थी और वह नीचे गिर गई थी, वह फिर कभी दोबारा नहीं देखी गई. द विच क्वीन वॉज डेड. जो चुड़ैल रानी थी वो मर चुकी थी. वैन द 7 ड्वार्फ्स गोट बैक टू देयर कॉटेज स्नो वाइट वॉज सो स्टिल एंड कोल्ड. जब 7 बोने वापिस अपनी कुटिया में आए तो हिमश्वेत अभी भी ठंडी थी. दे ऑल स्टार्टेड वीपिंग बिकॉज देयर ब्यूटिफुल फ्रेंड हैड डाइड. वे सभी रोने लगे क्योंकि उनकी खूबसूरत दोस्त की मृत्यु हो गई थी. दे बिल्ट फॉर हर अ मोस्ट ब्यूटिफुल कॉफिन. उन्होंने उसके लिए एक चमकदार सबसे सुंदर ताबूत बनाया. मेड फ्रॉम स्पार्कलिंग क्रिस्टल एंड दे लेड स्नो वाइट इन इट टू कीप हर ऑलवेज इन देयर कॉटेज. जो चमकदार धातु से बनाया गया और उसमें हिमश्वेत को रखा गया ताकि वह हमेशा उसकी झोपड़ी में रहे. एवरी डे दे ब्रॉट फ्रेश फ्लावर्स. प्रत्येक दिन या हर दिन वे ताजे फूल लाते एंड प्लेस देम अराउंड द क्रिस्टल कॉफिन और उन्हें क्रिस्टल ताबूत के आसपास रख देते थे. देन वन डे अ गैलेंट एंड हैंडसम यंग प्रिंस केम देयर राइडिंग ऑन हिज हॉर्स.
फिर एक दिन एक वीर और सुंदर युवा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर आए। ही सा दार्टिनी कॉटेज एंड डिसमाउंटेड टू सी हु माइट लिव देयर। उसने उस छोटी सी झोपड़ी को देखा और सोचा कि वहाँ कौन रह सकता है। इनसाइड ही फाउंड द सेवन ड्वार्फ्स गैदर्ड इन मॉर्निंग अराउंड द क्रिस्टल कॉफिन इन विच ले द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ही हैड एवर सीन। उसने अंदर उसने 7 मोनों को पाया जो क्रिस्टल ताबूत के चारों ओर शोक में इकट्ठे थे, जिसमें वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसने उसे कभी नहीं देखा था। ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड सैडली ही किस्ड हर जेंटली। उसको पहली नज़र में उससे प्यार हो गया और दुख की बात है कि उसने उसे धीरे से चूमा। एंड विद दिस फर्स्ट किस ऑफ ट्रू लव अ मिराकल हैपन्ड। और जब उसने उसे चूमा तो एक चमत्कार हुआ। स्नो वाइट सेट अप, हिमश्वेत बैठ गई, लुक्ड अराउंड एंड सा द प्रिंस एंड शी टू फेल इन लव एट फर्स्ट साइड। और उस और राजकुमार को देखा और वह भी पहली नज़र में उसके प्यार में गिर गई। द सेवन ड्वार्फ्स वर हैप्पी टू सी स्नो वाइट अलाइव अगेन। 7 बोने हिमश्वेत को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। द प्रिंस टुक स्नो वाइट अवे टू बी हिज ब्राइड एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। और राजकुमार हिमश्वेत को दूर अपनी दुल्हन बनाने के लिए ले गया। उसके बाद वे सब खुशी से रहने लगे। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड लेसन 7 क्वेश्चन आंसर। अब हम लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। व्हाट डिड द क्वीन आस्क मिरर। रानी ने दर्पण से क्या पूछा। द क्वीन आस्क द मिरर दैट हु वाज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। रानी ने दर्पण से पूछा कि सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। व्हाट डिड द क्वीन आस्क द मिरर। रानी ने दर्पण से क्या पूछा। द क्वीन आस्क द मिरर दैट हु वाज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। रानी ने दर्पण से पूछा कि वह सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। हु वाज स्नो वाइट। हिमश्वेत कौन थी। स्नो वाइट वाज द स्टेप डॉटर ऑफ द क्वीन। हिमश्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। हु वाज स्नो वाइट। हिमश्वेत कौन थी। स्नो वाइट वाज द स्टेप डॉटर ऑफ द क्वीन। हिमश्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। वाई डिड द विच वॉन्ट टू किल स्नो वाइट। डायन हिमश्वेत को क्यों मारना चाहती थी। बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। क्योंकि वह सबसे सुंदर बनना चाहती थी। Why did the witch want to kill Snow White? डायन हिमश्वेत को क्यों मारना चाहती थी। Because she wanted to become the fairest one of all. क्योंकि वह सबसे सुंदर बनना चाहती थी। What did the huntsman do with Snow White? हिमश्वेत के साथ शिकारी ने क्या किया। The huntsman left the Snow White in the deep forest. शिकारी ने हिमश्वेत को जंगल में छोड़ दिया। What did the huntsman do with Snow White? हिमश्वेत के साथ शिकारी ने क्या किया। The huntsman left the Snow White in the deep forest. शिकारी ने हिमश्वेत को जंगल में छोड़ दिया। How did the witch came to know that Snow White is alive? डायन को कैसे पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है। When the mirror said that in the dwarf's cottage neat and small, जब दर्पण ने कहा कि बोनो की कुटिया साफ और छोटी है। स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। और हिमश्वेत अभी भी सबसे खूबसूरत है। द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव। तब डायन को पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है।
हाउ डिड द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव, डाइन को कैसे पता चला कि हिम श्वेत जिंदा है. वैन द मिरर सेड दैट इज द डवार्फ्स कॉटेज नीट एंड स्मॉल, जब दर्पण ने कहा कि बोनो की कुटिया साफ और छोटी है. स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, हिमश्वेत अभी भी सबसे खूबसूरत है. द विच केम टू नो दैट स्नो वाइट इज अलाइव, तब डायन को पता चला कि हिमश्वेत जिंदा है. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 7 हमने पढ़ा है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा. महामारी की इस दौर में ऑनलाइन क्लास देना अनिवार्य है. डियर स्टूडेंट, आपने और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें. यदि आप घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको पहले पढ़ी हुई सारी चीज़ें भूल जाएंगी. इसलिए आपको जो भी वर्क दिया जाता है उसे समय पर व सही से करें. ऑनलाइन क्लास के दौरान सभी बच्चे अपनी प्रॉपर ड्रेस में बैठें व वीडियो को ध्यान से सुने व समझें. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.